हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ईडू वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, जो बहुत आसान है। तो पहले क्या दिया हुआ है, 6, 12, 18, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो हमको यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है, 18 दिख रहा है। अब ये देखना है कि 18 12 से कट रहा है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं। 6 तो है, 18 6 से क्या है, डिविजिबल, लेकिन 12 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या कर देंगे, 18 का दूना कर देंगे। अब कितना हो जाएगा, तो 18 2 जा कितना होता है, 36 होता है। अब देखिए ये जो आपका 36 है, क्या ये 12 से डिवाइड है, 6 से डिवाइड है? तो हाँ डिवाइड है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 36 आपका हो जाएगा एलसीएम। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे, एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। इसकी हिंदी क्या होती है, लघुत्तम समापवर्तक। इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है महत्तम समापवर्तक। अगर हमें कहता कि 5, 10, 25 का एलसीएम निकालिए, तो पहले आपको ये देखना है कि सबसे जो बड़ा नंबर है कौन सा नंबर है, 25। अब क्या ये 25 आपका 10 से डिविजिबल है, नहीं है। तो नहीं है तो क्या करेंगे, इसका ट्वाइस कर देंगे, दूना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 50। अब क्या ये 50 इससे डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 10 से है, बिल्कुल है, 5 से भी क्या है, डिविजिबल है। तो 50 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। यदि हमको बोलता कि 12, 15, 20 का एलसीएम क्या होगा, तो पहले हम क्या देखेंगे कि सबसे जो आपका बड़ा नंबर कितना है, 20। तो 12, 15, 20 में से जो आपका सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 20। अब ये देखना हमको कि क्या ये 20 15 से 12 से डिवाइड है, तो दोनों भी नंबर इसे डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे, कितना हो जा रहा है, 40। अब क्या ये 40 आपका 15 से डिवाइड है, नहीं है, तो क्या कर देंगे, अब इसका 3 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60। अब आपका 60 जो है वो 20 से भी डिवाइड है, एंड 15 से भी डिवाइड है, और 12 से भी डिवाइड है। तो 60 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आप इसका। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आप बिना पेन कॉपी के भी निकाल सकते हैं इसको। अगर हमें बोलता कि 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, तो पहले आपको ये देखना है कि अगर आप क्या करेंगे, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब क्या देखना है कि 3 से क्या डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आपको बोलता कि 14, 28 का एचसीएफ क्या होगा, तो पहले आप देखिए कि इसके बीच डिफरेंस कितना है, 14 का डिफरेंस है। अब ये जो 14 है, ये इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा, तो 14 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यदि आपको बोलता कि 20 का और 25 का एचसीएफ, तो कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है, 5 का। अब ये 5 आपका 25 को भी क्या कर देगा, डिजिबल कर देगा, और 20 को भी क्या कर देगा, डिजिबल कर देगा। तो 5 क्या हो जाएगा यहाँ से, एचसीएफ। यदि बोलता हूँ हमको कि 13, 26, 52 का एचसीएफ, तो पहले आप देखिए डिफरेंस कितना है, 13 का, यहाँ डिफरेंस कितना है, 26 का। तो अब ये देखना है कि इसमें से सबसे जो स्मॉल नंबर कौन सा है, 13 है। अब 13 देखिए इससे भी डिविजिबल है, और इससे भी डिविजिबल है, और इससे भी, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अगर वीडियो को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।